सो वेलकम टू दिस टेन मिनट सीरीज अगेन इट्स नाइन थर्टी पी एम एंड मायने में जमान श्रीवास्तव मैं आपके सामने शाम के साढ़े नौ बज चुके हैं रात के साढ़े नौ तो डेली रात के साढ़े नौ बजे हम आमने सामने होते हैं और हम दस मिनट में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सा सीखते हैं सो क्योंकि हमारे अभी एस एस सी के एग्जाम्स आ ही रहे हैं लाइन पे आ रहे हैं तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं टुडे वी आर ग लर्न बुद्धिज्म एंड जैनिज़म ठीक है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन टेन मिनट्स ठीक है। जितने एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन है? है अच्छे से वेलकम आदित्य वेलकम एवरी वन सो अच्छे से दिख रहा है वेरी वेल well. चलो आओ शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहली स्लाइड हम देखेंगे अपने सामने क्या आ रहा है हमारे सामने देखिए सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर बुद्धिज्म सो हु इज दाउंडर ऑफ बुद्धिज्म मैं एक पॉइंट उठाता जाता हूँ एक एक पॉइंट उठा करके डिस्कस करता चला जाऊंगा ठीक सो हूज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध ठीक है अभी नाम ये भी लिखेंगे कैसे नाम पड़ा है यार ठीक है गौतम बुद्ध इज द फाउंडर ऑफ जाइनजम ठीक इसमें हम जितनी बुद्धिस काउंसिल वगैरह जो भी चीजें हैं उन सब की बात करेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ दस मिनट में अभी देखना सो so, इनके पेरेंट्स कौन थे सो so, इनके पेरेंट्स किस क्लैन से आते हैं यार सबसे पहले तो ये शुद्धोदन इनके फादर का नाम था शुद्धोदन ही वाज अ शाक के चीफ ही वाज अ चीफ ऑफ शाक के क्लैन शाक्य इसी से इनका नाम क्या पड़ा गौतम बुद्ध का इसी से नाम क्या पड़ गया शाक्य मुनि ठीक है क्योंकि आपने वो पढ़ा ना सोलह महाजनपद होते थे तो उनमें से एक जनपद था शाक के जनपद महाजनपद भी होता था तो शाक के क्लैन ठीक तो इनका नाम इसी से पड़ गया शाक्य मुनि ठीक है तो दूसरा सवाल ऐसा का क्या हो गया कि शाक्य मुनि किसका नाम था ये बात क्लियर हो गई चलिए अब इनकी मदर का नाम क्या था देखिए इनकी मदर का नाम क्या था महामाया इनकी मदर का नाम क्या था महामाया अब इनकी मदर जो है ये देखिए ये अनक्लियर है कि जब इनको बर्थ दिया तब वो खत्म हो गई या उसको इनके सात सा, सात आठ दस दिन बाद कुछ टेक्स्ट कुछ कहते हैं कुछ टेक्स्ट कुछ कहते हैं हालांकि जो मेन बात ये है कि उनको बर्थ देने के कुछ ही अंतराल में या उसी समय वो खत्म हो गई थी तो इनका पालन पोषण किसने किया इनकी आंट बोल दें या इनकी स्टेप मदर बोल दें उनका नाम क्या था ये जो इनके जो इनको जिन्होंने इनका पूरा पालन पोषण किया है अब यहीं से नाम आएगा गौतम बुद्ध नाम क्यों पड़ा उनका नाम था प्रजापति गौतमी ठीक है इनकी जो स्टेप मदर है उनका नाम था प्रजापति गौतमी प्रजापति गौतमी जिसकी वजह से अब समझना जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा गौतम बुद्ध पड़ा यानी इनका नाम पैदा हुआ था प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से फिर ये क्या हुए बुद्ध इनका नाम बाद में पड़ा इनका नाम प्रजापति गौतमी इनकी मदर का नाम था तो इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा यानी गौतमी के बुद्ध ठीक है चलो तो ये चीजें यहाँ तक पेरेंट्स तक हमें क्लियर हो गई अच्छा देखो इनके जब ये पैदा हो रहे थे तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि कभी भी अगर इन्होंने कुछ दुख देख लिया एक उनके फैमिली के कोई होंगे कुछ काफी पंडित टाइप मतलब पढ़े लिखे आदमी जिन्होंने काफी विद्वान से आदमी होंगे उन्होंने ऐसा भविष्यवाणी करी थी कि अगर कभी पर कभी भी इन्होंने कुछ दुख देख लिया तो ये अपना घर बार छोड़ के चले जाएंगे फिर ये घर में नहीं रहेंगे तो इनके घर में हमेशा से क्या किया गया इनको बिल्कुल कैद करके रखा गया कैद का मतलब ये नहीं है कि इनको कोई पीड़ा दी गई नहीं इनको सारी सुख सुविधाएं समृद्धि सब इनके घर में दी गई इनके फादर क्योंकि ये रॉयल फैमिली से आते थे इसके एवज में हुआ क्या ये कभी घर से बाहर निकले नहीं लेकिन होनी वो कौन डाल सकता है जो होना है वो तो होके रहेगा तो हुआ क्या जब ये उनतीस साल के थे तो इन्होंने ऐसे तो उन्होंने कभी कुछ दुख देखा ही नहीं इन्हें मालूम ही नहीं था कि दुख होता क्या है क्योंकि ये कभी महल के बाहर इन्हें कभी जाने ही नहीं दिया गया ठीक है तो तो हुआ क्या एक दिन 29 साल के जब ये थे तो इनको सपना आया जब इनको सपना आया तो इन्होंने क्या देखा ये इनकी फोर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी एक बीमार आदमी एक डेड आदमी ठीक है एन ओल्ड मैन अ डिजीज मैन अ सिक मैन देख लीजिए ठीक अन ओल्ड मैन अ डिजीज मैन और एक असेटिक यानी कि असेटिक यानी क्या होता है एक जिसने वैराग्य पे हो यानी जिसने सब कुछ त्याग दिया हो एक बार जरा मैं आपके कमेंट्स देख ले रहा हूं सारी चीजें क्लियर हो रही हैं वंडरफुल क्लियर अभी देखो अभी ये कहानी क्लियर हो गई अब समझना इसके आगे क्या हो रहा है जब इन्होंने ये सारी चीजें कर दी नाउ व्हाट इज हैपनिंग ये सोच करके इन्होंने सोचा कि यार अब

करते हैं अपने लिए गुरु ढूंढते हैं और भी इन्हें काफी टाइम लग जाता है अब क्या हो रहा है जब सात आठ दस साल ये गुरु अपने ढूंढते हैं और फिर बारह साल तपस्या फिर छह साल लेने कोई फायदा नहीं होता है गुरु ढूंढने में फिर ये छह साल और तपस्या करते हैं तब जाकर के इनको क्या होता है खुद ही अपने आप इन्हें लगता है कि यार मुझे कोई भी गुरु जो है मुझे कोई कुछ सिखा नहीं सकता अब मुझे क्या करना पड़ेगा खुद ही मुझे ज्ञान लेना पड़ेगा तो ये मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं और इनको एनलाइटेनमेंट मिलता है कहां पर उरुवेला जगह है जगह है कौन सी नदी के किनारे रिवर निरंजना सवाल आता है ठीक है प्राप्ति हो गई है, है, ज्ञान की, की प्राप्ति होने के बाद ये क्या कर रहे हैं अपने धर्म को काफी ज्यादा प्रीचिंग सैरमन दे रहे हैं भाई जब ज्ञान आ जाएगा तो आदमी क्या करेगा ज्ञान आने के बाद आदमी क्या करेगा बांटेगा ना ज्ञान को ज्ञान बांटने को ही बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तना क्लियर हो गया अब ज्ञान बांट लिया उसके बाद क्या होगा उसके बाद ये खत्म हो जाएंगे तो यहां पर क्या आता है महापरिनिर्वाण जिस समय ये समाधि ले रहे हैं यानी ये अपनी जीवन त्याग रहे हैं उस समय बोला जाता है महापरिनिर्वाण ये 483 एटी थ्री बी सी में अब क्योंकि अब देखो अब गौतम बुद्ध नहीं है इस समय कोई भी अब आगे की टीचिंग करने के लिए तो इसीलिए कौन है इसीलिए पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाएगी जब ये खत्म हो रहे हैं उस समय बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाएगी बताइए ये बात इतनी सारी बढ़िया से क्लियर है एकदम मजेदार तरीके से वंडरफुल ठीक है आइए आगे।, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट देखिए आगे क्या आ रहा है तो जरा इसको देखना ये पूरा बुद्धिज्म सिर्फ पूरा बुद्धिज्म क्या हो रहा है चार उन्होंने बोला कि यार देखो चार है चार आर्य सत्य है यानी नोबल ट्रूथ हैं क्या कि दुनिया जो है वो दुख से भरी हुई है और उस दुख का मूल मंत्र मूल कारण क्या है उसका मूल कारण है कि डिजायर आदमी की एंडलेस है अगर आज उसके पास साइकिल उन्होंने नहीं बोला साइकिल है आज उसका मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे थे कि अगर आज उसके पास मान लो साइकिल है तो उसको बाइक चाहिए बाइक है तो कार चाहिए कार है तो हवाई जहाज चाहिए ठीक है और एक हवाई जहाज है तो तो हजार हवाई जहाज चाहिए जो आज हो रहा रहा है है तो है यहां पर क्या बोल डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल जिसकी वजह से वो कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। और सौरो जो है अगर आप उसके ऊपर जीतना अगर दुख इसको बोलते हैं दुखा निराम इसको बोलते हैं दुखा यानी कि जो अगर दुख के ऊपर अगर आप जीत हासिल करना चाहते हैं तो क्या है सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर को कंट्रोल करिए सब कंट्रोल हो जाएगा राइट देन और ये

वंडरफुल बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं चलो उसके बाद क्या बोलते हैं

ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के लिए आपस में इनको सुप्रीमेसी का वॉर चल रहा था कि हम ऊपर हैं नहीं हम ऊपर हैं हम ऊपर हैं नहीं हम ऊपर हैं उसमें क्या हो रहा है लोगों को अपनी जगह नहीं मिल पा रही थी और क्योंकि अब ब्राह्मण क्षत्रिय सारे राजपाट बढ़ते चले जा रहे थे तो व्यापार बढ़ रहा था तो क्षत्रिय भी तो वैश्य भी ऊपर आ रहे थे यानी ब्राह्मण क्षत्रिय में क्या चल रहा है पोजीशन का वॉर इधर वैश्य क्या हो रहे हैं ये भी ऊपर आ रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है यहां पर ट्रेड क्योंकि फ्लरिश हो रहा है इसलिए वो भी ऊपर आ रहा है यानी हर कोई ये प्रूफ करने में लगा ना कि यार हम सुपीरियर हैं इसीलिए क्या हो रहा है इसमें और दब कौन रहा है इसमें शूद्र क्योंकि उसकी कोई जगह ही नहीं हो रही है यहां पर चार वर्ण सिस्टम जो थे अभी हो क्या रहा है उस जगह पर इसीलिए क्या हुआ बुद्धिज्म आ गया वहां बुद्धिज्म आया नहीं इसलिए बुद्धिज्म बड़ा पॉपुलर होने लगा यानी हर एक को अब एक ऐसा रिलीजन मिल रहा था जहां पर उसको अपनी सुप्रीमेसी नहीं प्रूफ करनी है जहां हर कोई बराबर है जहां जात पात रंग भेद ऐसा कुछ नहीं है हर कुछ बराबर है इसीलिए वो काफी पॉपुलर हो रहा था दूसरी बात उस समय बाकी जो रिलीजन थे वो संस्कृत में प्रीच करते थे जो ज्यादातर लोग नहीं समझते थे इन्होंने टीचिंग किसमें शुरू करी पाली में शुरू करी ठीक है तो क्या हुआ पाली में शुरू करी तो पाली मैक्सिमम लोग समझते थे तो ये इनको यहां पर फायदा होने लगा ठीक है देन संघ का मतलब क्या होता है जो मॉन्क्स जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं बताओ क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया वेरी गुड बढ़िया बहुत बढ़िया अभी आगे आ जाओ आगे आ जाओ बहुत बढ़िया अभी देखो अब क्या करेंगे गए तीन इसके बाहर सवाल नहीं आएगा यार इसको पढ़ लेगा ना तो सवाल हो जाएंगे सारे तीन पिताका इसको बोलते हैं त्रिपिताका जब बुद्धा खत्म हुए तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ने बोला गया यार हमारे पास कुछ बुक्स होनी चाहिए जो इनकी जितनी नॉलेज है उसको प्रिजर्व करके रख पाए नहीं तो इतना बड़ा धर्म है सब नष्ट हो जाएगा तो इसीलिए क्या किया गया गया बुक्स में इनकी नॉलेज को कंपाइल करा गया। बोला बोला उसको कौन कौन सा विनय अभिनंदन पिता इसमें कौन सी पिता में क्या क्या चीजें होती हैं जितने पिता के क्वेश्चन आए ना आज जिस समय इतनी स्लाइड पे ऊपर जो जितना लिखा है ना उसी से आपको सवाल नाइनटी गेट ओनली फ्रॉम दिस स्लाइड इट ठीक है अगर पिता पे सवाल आ रहा है तो इसके बाहर नहीं जाएगा क्लियर आ जाओ नेक्स्ट पे आ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट पे आ रहे हैं अब देखो बुद्धिस्ट काउंसिल उसके बाद क्या हुई क्योंकि जब उसके बाद फिर धीमे, धीमे हर थोड़े थोड़े सालों के बाद काउंसिल काउंसिल ऑर्गेनाइज करानी जा रही जाने लगी फर्स्ट जब खत्म हो रहे हैं ध्यान रखना कभी एलिमिनेशन करना होना कभी भी बुद्ध काउंसिल के टाइम पर नहीं हुई क्यों क्योंकि जब उस समय तो बुद्धा थे ना बताने के लिए जब बुद्धा नहीं रहे बताने के लिए तब बुद्धिस्ट काउंसिल होगी ठीक है तो फोर एटी थ्री बेसी कहां पर हो रही है कौन प्रिसाइड कर रहा है और किस राजा के टाइम पर हुई है बस अगर चाहो तो इसको छोड़ सकते हो इसको याद रखना मतलब इसको 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 और इसको ठीक है अकेली बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि एडी में हो रही है वो ये है कुंडलवन कहां पड़ता है कश्मीर में ये कनिष्क के टाइम पर हो रही है दैट्स इट दैट रैप्स अप योर बुद्धिज्म ठीक है और जैनिज्म हम करेंगे जैनिज्म हम करेंगे अपने सेकंड लेक्चर में यहां पर मुझे लगता है क्योंकि मैं दस मिनट से ऊपर लेक्चर नहीं करना चाहता दस मिनट शुड बी द पावर पैक द बेस्ट